أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's wait for a minute or two, then we will begin inshallah. आई थिंक बिस्मिल्लाह कर लेते हैं बिकॉज 4 मिनट्स गुजर गए. ओके, कैन एनीबॉडी प्लीज कंफर्म कि आवाज मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं? सर आ रही है. थैंक यू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डे 2 एंड इट्स अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट. कल हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे बात की थी और आज जो है क्लासरूम मैनेजमेंट पे बात होगी कि ये किसे कहते हैं या क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाता है. जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सामने आज के दिन के लिए कि एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कहते किसे हैं. दूसरा जो बेसिक स्किल्स एक टीचर के लिए हैं सो उनको देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स हैं. एक प्लस है टैलेंट और एक है स्किल. टैलेंट और स्किल के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि टैलेंट्स या टैलेंट इज नेचुरल और स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड या लर्न. स्किल्स को हम लर्न कर सकते हैं जबकि टैलेंट जो है वो नेचुरल होता है. तो मतलब ये कि बीइंग अ टीचर इफ यू डोंट हैव दीज स्किल्स यू कैन एक्वायर देम थ्रू प्रैक्टिस. सो वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिस के जरिए अपने अंदर स्किल्स जो है एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं तो उन पर बात होगी कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं एक टीचर के लिए जो बुनियादी अहमियत रखते हैं. नंबर 3 टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे बात होगी. डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे. और कल जो बात हुई थी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स थे तो आज आप कोई भी फर्क पता चल जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है. और जब हम स्किल्स पे बात करेंगे तो वहां पर इवन टेक्निक्स भी बात होगी. सो आज के दिन में आप लोगों को ये भी क्लियरिटी आ जाएगी कि मेथड्स स्ट्रेटजीज और टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या है. क्लासरूम जनरल डिफिनेशन इसकी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली मीटिंग टू स्टडी अ सब्जेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर. सो इट्स अ कॉमन डिफिनेशन ऑफ द क्लासरूम. अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं द आर्ट of planning, organizing, leading and controlling of human and other resources to achieve desired goals effectively and efficiently. अब आप इस डिफिनेशन की तरफ देखें तो अगर आपने HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा हो या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सो वहां पर मैनेजमेंट की सेम डिफिनेशन है. In the art of planning, organizing, leading or controlling human and other resources. अब क्लासरूम मैनेजमेंट में ये अल्फाज कैसे फिट होंगे या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी या क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से लिंक करेंगे हम इन 4 अल्फाज के साथ. सो लेट्स सी कि हाउ टू लिंक इन टूगेदर और क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफिनीशन यहाँ से हम कैसे निकालते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग हमेशा किसी भी एक्टिविटी से पहले की जाती है. कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए प्लानिंग की जाती है. अब क्लासरूम के लिए जो प्लानिंग है अगर आप बीइंग अ टीचर सोच दें तो क्लासरूम के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो एक तो लेसन प्लान बनाते हैं दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द लेसन या द सेशन.
नंबर टू, उसके लिए आप तैयारी करते हैं, जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना हो, जो भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ाना हो, तो उसको आप क्लियरिटी लिए के लिए उसको खुद पढ़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर आप उनके लिए असेसमेंट क्वेश्चंस वगैरह डेवलप करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बच्चों से मैं करूंगा, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर अगर कोई एक्टिविटीज वगैरह आप क्लासरूम के लिए करते हैं, तो एडवांस में आप प्लान करते हैं कि ये फला फला एक्टिविटीज में करूंगा या करूंगी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग आल्सो। इस तरह से कौन सा होमवर्क में दूंगा या दूंगी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सो क्लासरूम के लिए जो प्री क्लासरूम एक्टिविटीज आप प्लान एंड डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग स्टेज। सो क्लासरूम मैनेजमेंट का पहला जो एलिमेंट है, दैट इज द प्लानिंग इन दैट सेंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू डिटेल्स अबाउट। नंबर टू, ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग में आपने जो तैयारी की थी, लेसन वगैरह जो आपने खुद क्लैरिटी के लिए उसको पढ़ा था, या एक्टिविटीज वगैरह आपने प्लान कर ली कि फना फना एक्टिविटीज को मैं कैरी आउट करूंगा या करूंगी, या असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं ये मैं करूंगी, या होमवर्क वगैरह दूंगी या दूंगा, लेकिन हाउ टू डू देम इन अ प्रॉपर एंड लॉजिकल वे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लासरूम एक्टिविटीज को तरतीब से रखना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, when I enter the class, I will do these activities for brainstorming, then I will give explanation about this topic, then I will ask questions about the topic, then there will be some practice on part of the students, then I will do some assessments also, and then assign the homework. Ab jo bhi aapne planning stage par एक्टिविटीज डिजाइन की थी, तो उनको तरतीब से रखना कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब मैं करूंगा या करूंगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग भी आपने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी आपने कर ली कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब आएगी, क्योंकि प्लानिंग के स्टेज पर बहुत सी एक्टिविटीज थी आपके पास। अब द थर्ड स्टेज इज और द थर्ड स्टेप इज कंट्रोल सॉरी लीडिंग। व्हाट एवर हैपनिंग in the classroom, you will be responsible for to lead from the front. yani bachchon ko jo bhi problem aata hai to aapki taraf dekhenge, ya classroom ke mutalliq, even agar being a classroom teacher koi bhi issue arise hota hai, to even the principal sahab will be looking at you to lead from there. bacche jo bhi harkat kare, jo bhi amal kare, for their purpose you will be the person to lead them. लीडिंग मीन के उनके आपने मसाइल को हल भी करना है, सॉल्व भी करना है। सो क्लासरूम के लिए आपने प्लानिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, देन चीजों को तरतीब से करना, क्या क्या एक्टिविटी में करूंगा करूंगी, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, व्हाट एवर हैपनिंग इन द क्लासरूम, यू विल बी द पर्सन टू लीड, यू विल हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, एंड कंट्रोलिंग, whatever happening in the classroom, you will be responsible to keep under control each and everything. har ek cheez ko apne classroom ke control mein rakhna hai, chahe wo human resources ho, chahe other resources ho, chahe aviates ho, chahe unka istemal ho activities ke liye, aap koi guidance wagaira dete hain, instructions wagaira dete hain, ya koi misbehave wagaira classroom ke andar, whatever happening over there, you will have to keep things under control. So if you do all these four things, your classroom will be properly managed. Ab classroom management ki definition ko kya ho gayi, ke classroom management means that we should be fully prepared for the class, we should design activities in an orderly way, and then carry out or conduct the activities accordingly, and rather than looking at others to lead the class, you will have to lead them from the front, and you will have to keep each and everything under control. So agar aap in char cheezon pe amal kare, to aapka classroom puri tarah manage hoga, you will be properly managing the classroom. ab classroom management ke to ye chalo, it's the definition. ab how to do these things effectively,
प्लानिंग किस तरह से इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से इफेक्टिवली, लीडिंग किस तरह से कंट्रोल है, और कंट्रोलिंग को किस तरह से इफेक्टिवली करना है. फॉर दैट पर्पस यू नीड फ्यू स्किल्स. नाउ व्हाट आर दोस स्किल्स? दीज आर द स्किल्स, बट बिफोर डिस्प्लेइंग देम लेट मी आस्क यू पीपल शॉर्टली, आप मुझे जल्दी बताइए कि कौन कौन से स्किल्स हैं रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर. चले नजीरुल्लाह साहब, मैं प्लीज टेल मी व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर, जल्दी से बता दें. जी सर, सर आप कवर में प्लीज. कम्युनिकेशन स्किल. सॉरी कौन से? कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके यस सर. उसके बाद जो हमारी टीचिंग मेथड्स है वो. थैंक यू फरहान साहब, एक और स्किल बता दी. फरहान, डॉक्टर फरहान इज रिक्वेस्टेड, जल्दी से सिर्फ एक स्किल का नाम बता दें. साइमा पावर सेड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके सादिया नूर इज रिक्वेस्टेड, शायद फरहान साहब को आवाज नहीं जा रही. सादिया नूर सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. कौन से? हाँ ये सवाल मैंने इसीलिए किया कि आप सबको मैं ऑन बोर्ड ले लूं. कौन से स्किल्स हैं एक टीचर के लिए जो जरूरी है कि वो क्लासरूम को प्रॉपर मैनेज कर सके? साइमा पावर सेड कम्युनिकेशन स्किल्स. योर आंसर. कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा सर प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए. ओके सो प्लानिंग स्किल. ओके थैंक यू शबनम, मैं आल्सो एड वन सर, क्रिएटिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट. क्रिएटिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, दैट्स आल्सो. ओके थैंक यू. थैंक्स ऑल. ओके प्लीज काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लीजिएगा. थैंक यू. अगर आप इफेक्टिव टीचर बनना चाहते, एक है एफिशिएंट टीचर और एक है इफेक्टिव टीचर. एफिशिएंसी कहते हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है तो मतलब टाइम के अंदर वो एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर दें, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस इसे कहते हैं कि जो टारगेट्स आपको मिले थे तो उन टारगेट से नहीं थे बल्कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, कुछ आउटकम्स भी आपको मिले थे जिनको अचीव करना था. सो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस कहलाती है, और टाइम के अगेंस्ट एक्टिविटीज को करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. सो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर अंदाज में कर लूँ और मेरे आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स इफ यू रिमेंबर, वो भी अचीव हो जाए, सो यू नीड दीज फोर स्किल्स. नाउ व्हाट आर दोस फोर स्किल्स? These are the four skills. Technical skills, conceptual skills, human skills, and जिस तरह के साइमा पावर ने कहा communication skills. अब जो आप लोगों ने इजाफी बातें बता दी वो इन्हीं के अंदर है. आपने जो time management वगैरह की बात कर ली वो सारी की सारे इन्हीं के अंदर चीजें आ रही है. किस तरह से आ रही है? Now look at them. What is meant by technical skills? What is meant by conceptual skills? Human skills किसे कहते हैं? और communication skills किसे कहते हैं? Technical skills, और फिर हम आखिर में देखेंगे कि जब आप technically sound होते हैं या हो तो इसका क्या फायदा, जब conceptually या conceptual skills आपके होते हैं, conceptually clear होते हैं, इसका क्या फायदा, जब human skill होते हैं इसका क्या फायदा होगा, और जो communication skills आपकी होगी तो इसका फायदा क्या होगा. Technical skills, हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं. हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं. मिसाल के तौर पर अब लेसन प्लान का डेवलप करना, मोस्टली जहां पर भी सेशंस के लिए लोग जाते हैं तो देयर फर्स्ट आस्क यू एंड आस्क मी दैट व्हाट इज अ लेसन प्लान, उसका फॉर्मेट बता दें, उसका डिजाइन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे लिखने होते हैं, एवियट्स कहाँ पे लिखने होते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, वगैरह वगैरह. So lesson plan ke development, it's a technical thing. If you don't know the technicalities, you will never be able to develop a lesson plan. Is tarah curriculum document ko pehli dafa aap logon ne shayad dekha ho, real curriculum document ko. So usko samajhna, uske andar syllabus ko samajhna, uske andar benchmarks ko samajhna,
फिर सिर्फ सिलेबस को समझना नहीं बल्कि उनको वर्डिंग को समझना, उनसे क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बेस पर आइटम्स किस तरह से बनते हैं वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज आर टेक्निकल थिंग्स. सो टेक्निकल स्किल्स आर लेसन प्लान का डेवलप करना. फोर पीस का लफ्ज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. फोर पीस यानी पी 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 पी. पी वन प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस एंड फिर प्रोडक्शन. दोबारा मैं बता दूं, प्रिपरेशन पी वन, प्रेजेंटेशन पी टू, पी थ्री दैट इज प्रैक्टिस और पी फोर इज प्रोडक्शन. यानी पहले लेसन प्लान के लिए तैयारी करनी होती है या जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए तैयारी करनी होती है, दैट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन. फिर आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, टीच किस तरह से करना है. टू और यानी उसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह आ जाती है. जो पी थ्री है प्रैक्टिस, तो एक्टिविटीज हैं कि एक्टिविटीज आपने किस तरह से करनी है. और प्रोडक्शन से मुराद है कि असेसमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने किस तरह से करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ाया वो हासिल भी कर लिया कि नहीं हासिल कर लिया. सो दैट इज कॉल्ड फोर पीस. अब करिकुलम किसे कहते हैं, विच आल्सो यू आर क्लियर अबाउट, इसके मुताबिक आप क्लियर हैं. जो लेसन प्लान है इस पे एक कंप्लीट सेशन होगा, उसमें डिटेल्स के साथ ये फोर पीस के अलावा मजीद चीजों को भी डिस्कस करेंगे. अपने अपने सब्जेक्ट्स के मेथड्स को समझना, दैट इज आल्सो टेक्निकल. इंग्लिश के लिए डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड है वगैरह वगैरह. इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए अलग से एनालिटिकल है, और जो साइंस के लिए है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जिस तरह की कल बात हुई थी. सो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. कल हम डिटेल के साथ सारे के सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से मेथड्स ज्यादा यूजफुल रहेंगे. सो यू मस्ट नो कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं. हर एक मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, कल आपने खुद भी देखा था. टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज. मेथड्स आर द जनरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कल हमने इसकी डिफिनेशन की थी. Strategies are the plans or the action plans or the planning to be carried out during a session. These are the different plannings or activities designed for a session which are used during a method. Ab, which are used during a method, ye kis tarah se jab hum teaching strategies pe jayenge, wahan par jab discussion hogi to ye aapko mazid clear hoga. मेथड के अंदर फिर स्ट्रेटजीज होते हैं, मेथड्स के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं. ओके, लेट मी रिपीट. मेथड्स आर द जनरली और यूनिवर्सली, एक चैट बॉक्स में शबनम सेड इट शुड बी रिपीटेड. मेथड्स यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट, जो डिफरेंट हमने कल टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, दे आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू डू समथिंग or the accepted procedures to do something. मिसाल के तौर पर लेक्चर मेथड था तो उसको हमने डिटेल के साथ उसकी मेथोडोलॉजी डिस्कस कर ली. अब स्ट्रेटजीज क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. जब हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज भी जाएंगे तो वहां पे जो डिस्कशन हो जाएगी वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है. असल में स्ट्रेटजीज आर द एक्टिविटीज, आर द प्लान्ड एक्टिविटीज. प्लान्ड एक्टिविटीज इस वजह से कि मेथड ये था, मिसाल के तौर पर मेथड ये था कि डिस्कशन चले, लेक्चर मेथड था, लेक्चर मेथड था, लेकिन उसके लिए आपने स्ट्रेटजी ये बना ली कि 5-10 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी. सो 5-10 मिनट के बाद जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं दैट इज अ स्ट्रेटजी. लेक्चर मेथड वो ओवरऑल मेथड था, 5-10 मिनट के बाद मैं लाजमन क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी. सो दोस क्वेश्चन आंसर आर द स्ट्रेटजीज. नाउ हाउ विल आई डू दोस थिंग्स, दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स. टेक्निक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक बंदे के टेक्निक्स दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. यानी अगर आप एक और एग्जाम्पल को देख लें, जो क्रिकेटर्स होते हैं तो हर एक बैट्समैन के बैट को पकड़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हर एक के टेक्निक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. इसी तरह से एक प्रेजेंटर आपके पास आ जाता है, अगर आपने ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ली हो तो सब के सब प्रेजेंटेशन देते हैं. सो मेथड इज द सेम,
सबके सबके सामने प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटीज होते हैं। अब मेथड इज द सेम द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड वे। अब बास टीचर्स आधे घंटे बाद सवालात करते हैं, बास बिल्कुल सवालात नहीं करते, बास एंड में सवालात करते हैं, बास दो मिनट के बाद सवालात करते हैं। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दैट प्रेजेंटर। लेकिन मैं सवाल करूं तो मेरे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, दूसरे बंदा जो सवाल करे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। सेम अल्फाज आप पूछे तो एक अंदाज में पूछेंगे, मैं पूछूं दूसरे अंदाज में पूछता हूं। सो दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स। इस स्टेज पर इतनी डिफिनीशन काफी है। जब हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, उनको जब समझेंगे, फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। टेक्निक्स आर द इंडिविजुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है और टेक्निक्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्किल्स। जिन्होंने हमें लेटर ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, स्किल्स आर द एक्वायर्ड वन आर द लर्न्ड वन। द लर्न्ड एबिलिटीज आर द एक्वायर्ड एबिलिटीज आर कॉल्ड द स्किल्स, और जो नेचुरल एबिलिटीज होती हैं तो उनको कहते हैं टैलेंट। टैलेंट इज द नेचुरल एबिलिटी एंड स्किल इज द लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। इस स्टेज पे इतना ही काफी है, जब स्ट्रेटजीज पे जाएंगे फिर ये मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सॉल्यूशन प्लान का बनाना, करिकुलम का को समझना, सिलेबस का समझना, मेथड्स का समझना, टीचिंग टेक्निक्स किस तरह से, हाउ टू इमिटेट, हाउ टू डू लाइक अदर पीपल और डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स। इसके अलावा असेसमेंट टेक्निक्स। असेसमेंट टेक्निक्स क्या है? आइटम राइटिंग, सवाल किस तरह से बनाते हैं। जब आपको सवाल बनाने का तरीका नहीं आता तो आप एक घंटे 10 मिनट में एक घंटे का पेपर बना सकते हैं आराम से। लेकिन इफ यू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ टू डेवलप आइटम्स, जिस पे जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा का पूरा हमारा आइटम राइटिंग पे है, जहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। So if you know the technicalities, believe me, you will not be able to write a single question in 10 minutes. आप नहीं लिख सकते क्योंकि you will look at all the qualifications of the items then. So items, items से मुराद है questions किस तरह से बनाते हैं, paper setting किस तरह से करते हैं, किस तरह से difficulty level का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से cognitive level का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से percentages की distribution की जाती है, marks की distribution की जाती है, rubrics पेपर के लिए किस तरह से बनाए जाते हैं, रूब्रिक्स के लिए मार्क्स किस तरह से, हॉलिस्टिक एनालिटिकल रूब्रिक्स वगैरह क्या है, रूब्रिक के अल्फाज किस तरह से होते हैं, फिर आइटम वाइज एनालिसिस किस तरह से की जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स। नाउ यू मे बी बिट कंफ्यूज के व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेक्निकल स्किल एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो हम फोर के फोर स्किल्स पढ़ लेंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टेक्निकल स्किल्स फॉर अ टीचर। So these are the technical skills a teacher must. अच्छा यहाँ पे देखें, so already methods, methodologies, strategies ये कल आज के दिन में complete कर लेंगे हम। curriculum syllabus को already हम complete कर cover कर चुके हैं, lesson plan आने वाले sessions में और assessment techniques next week में। So you will become technically very much skillful after attending this workshop or course. अब conceptual skills। टीचर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्ट कहते हैं एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड। आपके जहन में किसी भी चीज के लिए जो तस्वीर बनती है, जो खाका बनता है, उसको कहते हैं कंसेप्ट। क्लासरूम में आप एंटर नहीं हुए, बिलीव मी, लेकिन पहले से आपके जहन में एक खाका बनता है कि मैं क्लासरूम में एंटर भी हो गया, वहां पर ये सवाल मुझसे हो रहे हैं, मैं इस तरह से जवाब दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सो ये जो एडवांस में आपके जहन में तस्वीर बनती है किसी भी सिचुएशन के लिए, इसको आइडिया कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड इज कॉल्ड आइडिया, और इस आइडिया या इस पिक्चर की क्लैरिटी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर आप कोई लेसन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो अपने आप से कुछ सवालात कर लीजिएगा कि आया मैं इस लेसन के मुतालिक क्लियर हूं कि नहीं हूं। जो कल हमने बातें की थी, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। So expected question के answer आपको आते हैं कि नहीं, unexpected question के answer आपको आते हैं कि नहीं, number one. Number two, जो activities आप design कर रहे हैं, plan कर रहे हैं, तो are you sure you will do these things or not? If you yourself aren't sure, then don't go with them. एक और इसकी example,
कि आपने कोई मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जो आपने बच्चों को बोर्ड पे करवाना है, एंड यू यूर सेल्फ नो के तीन चार पांच स्टेप्स करने के बाद जो चट्टे या सातवें पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो शायद मैं भूल जाऊं कि ये इस यहाँ पे फिर क्या करना है, शायद वो स्टेप्स में भूल जाऊं। इट मीन्स कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर, लेकिन तीन चार दफा जब आप उसी सवाल की घर में प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोर्ड पे लिखेंगे और यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कंप्लीटली रादर देन बीइंग कंफ्यूज। जहां पर आप कंफ्यूज रहे समझ जाए कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। इस तरह अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जिनके मीनिंग्स के मुतालिक या इनके इंटरप्रिटेशन के मुतालिक यू आर नॉट क्लियर, इट मीन्स दैट यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर, तो बेहतर बात यह है कि उन अल्फाज को उन कंसेप्ट को क्लियर कर ले बिफोर एंटरिंग द क्लास। सो क्लास में दाखिल होने से पहले अपने माइंड के पिक्चर को कंप्लीटली क्लियर कर ले, दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अब इसका जो आसान तरीका है किस तरह से अपने आप को आप कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए हो, जिस फोरम पर भी हो, तो आप जिस टॉपिक पर भी बात कर रही हैं या कर रहे हैं, सो आस्क ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ एंड देन आंसर योरसेल्फ। सवाल भी अपने आप से करें और उसके लिए जवाब भी ढूंढें कि ये सवाल मुझसे होगा और मैं ये जवाब दूंगा या दूंगी। तो जब आप जवाब देंगे तो फिर अपने आप से नेक्स्ट सवाल ये कर लें कि अगर यही इसी सवाल का ये जवाब मुझे मिल जाए सो वेदर आई विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। अगर आपको खुद ही अपना आप जवाब दे दे कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, सो उसके लिए फिर मुनासिब दूसरा आंसर तलाश कर ले। इसी तरह से यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर आंसरिंग यूर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड सेटिस्फाइंग योरसेल्फ। इसके लिए फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके पास कि आप दूसरे के माइंड को रीड करें कि फला जगह पर या फला सेशन में या फला पैराग्राफ के अंदर ये सवाल मुझसे लाजमन फला बंदा करेगा या हो सकता है मुझसे कोई कर ले तो उसको मैं ये मुनासिब जवाब दूंगा या दूंगी। सो मेक यूर सेल्फ कंसेप्चुअली क्लियर बिफोर गोइंग एनीवेयर। और इसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो तो 5 P's, जिस तरह के 4 P's लेसन प्लान कहते हैं इस तरह प्रिपरेशन के लिए 5 P's है। और 5 P's है प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। दोबारा से मैं बता दूं, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कारकर्दगी कभी भी बुरी नहीं जाती। अब नेक्स्ट, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की अपनी अहमियत है और जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं इनकी अपनी। दोबारा से रिपीट करते हैं। जी प्लीज। जिस तरह के 4 P's थे तो PPP, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, इस तरह एक टीचर के लिए 5 P's आर वेरी मच इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए या कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। वो है प्रायर PRIOR, प्रायर प्रिपरेशन। प्रायर मीन्स पहले से करना, पहले से तैयारी करना। प्रायर प्रिपरेशन P2। सो आप पहले से जब आप तैयारी कर लेते हैं प्रिवेंट्स, सो आपकी जाखलासी हो जाती है पुअर परफॉर्मेंस। किस चीज से? पुअर परफॉर्मेंस से। जब आप पहले से तैयारी करके जाते हैं तो कभी भी आपकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं जाती, लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप एग्जांपल्स ढूंढते हैं, यानी यही स्लाइड अगर मैं एक्सप्लेन करूं एक जगह पे और दूसरी जगह पर बगैर प्रिपरेशन के चला जाऊं कि चले वो बातें मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन वो बातें आपने अपने आप को दोहराई ही नहीं, सो आपने प्रायर प्रिपरेशन नहीं की, तो ऑडियंस को फौरन से पता चल जाता है कि आप ना तो रिलेवेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं और ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। सो प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। बुरी परफॉर्मेंस को बचाने के लिए लाजमन पहले से ही तैयारी कर लिया करें। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज ह्यूमन स्किल्स। इनकी अपनी अहमियत है क्लासरूम मैनेजमेंट में। ह्यूमन स्किल्स मीन के क्लासरूम के अंदर आपके सामने रोबोट्स नहीं होते,
कंप्यूटर्स नहीं होते जहां पे आप डेटा फीड करेंगे और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. ओवर देयर यू आर फेसिंग द ह्यूमंस, इंसान होते हैं और हर बंदा हम वी पीपल से दैट ऑल आर इक्वल, लेकिन द रियलिटी इज ऑल आर डिफरेंट. नो टू ह्यूमंस आर इक्वल आर द सेम एट ऑल. कभी भी ये ना कहें कि तमाम इंसान बराबर हैं, बल्कि तमाम के तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. 40 बच्चे बेटे हैं तो 40 के 40 एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमंस. अब ह्यूमन स्किल्स ये है कि आपने 40 के 40 के मिजाजों को देखना है, 40 के 40 के बैकग्राउंड्स को देखना है, 40 के 40 के रिलीजियस एफिलिएशन को देखना है, 40 के 40 के जो सोशल स्टेटस है उनको भी समझना है, वगैरह वगैरह. सो व्हेनेवर यू आर टीचिंग एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम देयर डेली लाइफ, इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी एनालॉजी की. सो उनको समझाने के लिए आपने फिर वो मिसालें देनी है जो इन सब के साथ उनकी फेमिलियरिटी भी हो. उसके लिए आपने अपने क्लासरूम को क्या बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है. इंक्लूसिव, व्हाट इज इंक्लूसिवनेस? इंक्लूसिवनेस मीन इंक्लूड से लिखना है, इंक्लूड माने शामिल करना. इंक्लूसिव क्लासरूम उसे कहते हैं जहां पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आप इंक्लूड करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इंक्लूजन से मुराद ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेते हैं. ऑन बोर्ड किस तरह से? हर बच्चे का मेंटल लेवल दूसरे से मुख्तलिफ, हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर बच्चे का सोशल बैकग्राउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर बंदे के अकायद शायद कोई ऐसे इलाके हों एक दूसरे से मुख्तलिफ, रिलीजियसली उनके एफिलिएशन शायद अलग अलग फिरकों वगैरह से हो एक दूसरे से मुख्तलिफ. यानी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम विच दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. तो जब आप क्लासरूम ले रहे हैं उसके अंदर आप इन सब चीजों का ख्याल रखें, हर बच्चे का ख्याल रखें, दैट इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव क्लासरूम. फिर एक बच्चे को एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी, दूसरे बच्चे को दूसरे से समझ आ जाएगी, तीसरे को तीसरे एग्जांपल से समझ आ जाएगी. तो आपने एग्जांपल्स ऐसे रखने हैं कि सबके सबको आप ऑन बोर्ड लें, सबको आप समझा दें, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस. अब ह्यूमन स्किल्स ये है कि आप सबको कंसिडर करें, सबको अहमियत दें, किसी को के साथ आप इम्तियाजी रवैया ना रखें. नंबर टू के इक्विटी पर आप बिलीव करें, इक्वेलिटी पे नहीं. इक्वेलिटी तो ऑलरेडी आपको पता है, इक्वेलिटी ऑल आर इक्वल. इक्विटी कहते हैं कि हर बंदे की नीड्स जो है मुख्तलिफ होती हैं और हर बंदे के नीड्स के हिसाब से उनको ट्रीट करना है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी. हर बंदे की नीड्स मुख्तलिफ होती हैं, ऑल आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम, ऑल आर डिफरेंट. तो हर बंदे की जब नीड्स मुख्तलिफ हैं, हर बंदे की जब रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो लाजिम बात है तो आपने उनको ओवरकम करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है. एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बी ए साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर. दोबारा से मैं बता दूं, साइकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ human actions and behavior. Scientific kise kehte hain? When there is jab aap do mukhtalif variables ke beech mein taluq dete hain to usko kehte hain scientific approach. Misal ke taur par, if is equal to then, it's called science. If agar ye ho to then ye hoga. Iski ek aasan misal, if w then mg hoga, if then MA होगा, if S then VT होगा. अगर फिजिक्स के मिसाल दूं, अगर मैथमेटिक्स की मिसाल दूं, so if A plus B whole square तो उसे A square plus B square root 2AB आ जाएगा, if A minus B तो उससे then ये आ जाएगा, इसको if and then कहते हैं. अब साइकोलॉजी कहती है कि if you treat a child this way then he will respond this way, if you treat him with love he will respond with love, if you treat him harshly he will respond harshly. Number one interpretation. Number two, be a psychologist ki interpretation ye hai ke har bacche ke jo actions hain to actions ko dekhne ki bajaye uske reason kya hain un reasons ko identify kar le rather than unke actions ko dekhna.
बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो मिसबिहेवियर पर उसको डांट नहीं बल्कि क्यों कर मिसबिहेव कर रहा है इसके रीजन आइडेंटिफाई करें, इसको कहते हैं साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच। बच्चा आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो उसको मारने की बजाय रीजन आइडेंटिफाई कर ले कि क्यों कर आपको अटेंशन नहीं दे रहा। बच्चा जो है स्लीपी रहता है या वट एवर अदर थिंग्स, लेकिन उनको मारने पीटने की बजाय आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट आर द रीजंस। जब आप रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं इसके मुराद ये है कि आप एक साइकोलॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं। सो बी ए साइकोलॉजिस्ट। और द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स किसे कहते हैं? रिमेंबर वन थिंग, प्रेजेंटेशन मेथड या टेक्निक हरगिज नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल है। प्रेजेंटेशन या तो एज अ टूल है, अगर आप पीपीटी का जिक्र कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन इज अ टूल, और अगर आप एज प्रेजेंटर वो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सो इट्स अ स्किल देन। अब सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन की आप मैंने कम्युनिकेशन की अगर आप सिंपलेस्ट अगर मैं डिफिनेशन दे दूं, सो इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए किसी मीडियम का सहारा लेते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ सेवन सीज का लफ्ज आपने सुना होगा, जिस तरह के फाइव पीस थे, फोर पीस थे, इस तरह सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर आप अपने मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इन सेवन सीज को जहन में रखें। नाउ व्हाट आर दोस सेवन सीज? नंबर वन, जो भी आप बात करें कंप्लीट बात किया करें, आधी बात ना किया करें, क्योंकि आधी बात से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अपना मैसेज कंप्लीट करके छोड़ दिया करें, कभी भी उसमें स्पॉट्स ना छोड़ा करें, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। सी वन। नंबर टू, कंसाइसनेस। कंसाइसनेस से मुराद ये है कि जितने कम अल्फाज में आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, सो इख्तिसार ही कहते हैं इलम की निशानी है कि आप जितने मुख्तसरन बात को कन्वे कर सकते हैं इट विल बी लॉट बेटर rather than taking large number of time, bahut zyada time, lot of time lekar kisi message ko communicate karna. So jitne kam alfaz mein aap kar sakte hain it will be better, conciseness. Consideration, consideration kehte hain ki you have to consider the audience first. Ye jo session shuru ho rahe the to maine aap sab ko request ki ki aap mujhe ye proforma fill karke detail apni bhej de taki mujhe idea ho jaye ki mere samne audience kaun hogi, ताकि मैं जब एग्जाम्पल्स बनाऊँ, जब स्लाइड्स बनाऊँ तो मैं आप लोगों को कंसिडर कर लूँ। सो आप भी जब तैयारी करें, जब किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो उसके लिए ड्यू कंसिडरेशन, इससे मुराद ये है कि आप कंसिडर कर लें कि आपकी ऑडियंस कौन है और उनके हिसाब से मिसालें दें, उनके हिसाब से बातें कर लिया करें। क्लैरिटी मीन्स कि आप इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि जो भी आप बात करें तो आप खुद उस पर क्लियर हों और मैसेज भी आप क्लियर दें। कंप्लीट कंप्लीट मैसेज देना और क्लियर माने साफ सुथरा मैसेज देना, उससे रिलेटेड जितनी भी वजाहतें हैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस से मुराद ये है कि आप जनरलाइज ना करें बल्कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें। यानी किसी बंदे की तारीफ आप करें, वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है, बहुत काबिल बंदा है, यू आर जनरलाइजिंग थिंग्स। अगर आप कहते हैं उन्होंने एमफिल फला सब्जेक्ट में कर लिया, फला जगह पे जॉब कर रहा है, ओके, विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ब्रेक, और फिर इसी स्लाइड को दोबारा से देखेंगे। थैंक यू। इसको हम दोबारा से देखेंगे, प्लीज़।